अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। बहुत से लोगों ने चांद रात के व्लॉग के लिए बोला था, लेकिन चांद रात पे मैं कुछ भी नहीं करती सिवाय सफाई के। मैं आप लोगों को सफाई वाला व्लॉग दिखाती हूँ अपना। जी तो मैं आंटी बच्चों की तरह यहाँ मैंने दुपट्टा शुपट्टा बांध लिया है। अब यहाँ मैं पकड़ूंगी झाड़ू और इससे पहले मैं करूँगी सारे जाले वगैरह साफ। आई एम अ पार्ट टाइम काम वाली टू। जी तो जाले उतारने का प्रोसेस हो चुका है स्टार्ट। अब मैं आपको जाले उतारते हुए दिखाती हूँ। ये देखें जी, हाथ नहीं जा रहा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और अब उतर जाएंगे जाले। जी तो आधी दीवार के उतर चुके हैं, अब आधी दीवार पे मैं सोफे पे चढ़ के उतारूंगी। ओए, चढ़ गई मैं सोफे पे और अब मैं यहाँ पे इजीली उतार लूंगी। हाँ जी, तो मैं पंखा साफ करने लगी हूँ। पंखों वाला काम थोड़ा आंखों में पड़ता है और बालों में पड़ता है, इसीलिए मैंने ये सारा कुछ कर लिया, अपने आप को कवर कर लिया। अब मैं करूँगी पंखा साफ। पहले हम इस पे मारेंगे ब्रश ताकि इस पे से सारा कुछ उतर जाए, फिर हम इस पे कपड़ा मारेंगे एंड दैट्स इट। हाल मेरा बुरा हुआ है, पंखे मैंने साफ कर लिए। मैं यहाँ पे सर थोड़े कपड़े के साथ सोफे साफ करूँगी और फिर मैं आपको आज पूरी सफाई करके दिखाऊंगी। बहुत ही बुरे हाल हो चुके हैं और ये थी मेरी चांद रात। मेरी चांद रात मोस्टली ऐसे ही गुजरती है और बस एक आखिरी काम रह गया, ये कारपेट साफ करना। ये कारपेट साफ करके मैं बिल्कुल फ्री हूँ। लेकिन ये वीडियो दिखाने का ना एक मकसद भी था। मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि यार, ये जो आप इंटरनेट पे लोगों की जिंदगी देखते हैं ना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, तो आपको लगता है कि इनकी जिंदगी में तो सही फन है, ये तो बहुत इंजॉय करते हैं और आपकी जिंदगी खराब हो चुकी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो 20 मिनट का सिर्फ एक छोटा सा क्लिप होता है जिसको देख के आप परेशान हो जाते हैं, चीजें अज्यूम करते हैं और खुद को डिप्रेस करते हैं। रियल लाइफ टफ होती है, रियल लाइफ में आपको सफाई ही करनी पड़ती है। तो चूड़ियों के बगैर लड़कियों की ईद तो होती नहीं, तो मैं जा रही हूँ चूड़ियाँ लेने। जी तो मैं जा रही हूँ चूड़ियाँ लेने। चले जी भाई, चलते हैं। अब मैं चूड़ियाँ लेने जा रही हूँ जी। ये काम शाम करके मैं आई हूँ छत पे चांद देखने के लिए। जी तो विदाउट मेहंदी और विदाउट चूड़ियों के मेरी चांद रात ऐसी गुजर गई। मैंने बाजार जाना था लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले ही फ्री हुई हूँ। अब बाजार में बहुत रश हो गया होगा। जब मैं चूड़ियाँ लेने के लिए गाड़ी में बैठी थी तो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, फिर मैं चूड़ियाँ लेने भी नहीं जा सकी। खैर, अभी मेरी ये सफाई वाला व्लॉग अगर आपको पसंद आता तो इस व्लॉग को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।